हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HS टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत करते हैं। और यहाँ पर स्टूडियो में बात करेंगे फ्री मोबाइल योजना को लेकर। देखिए दोस्तों, फ्री मोबाइल योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो फ्री मोबाइल योजना है उसको लेकर काफी लोगों के डाउट भी है और काफी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि फ्री मोबाइल योजना बंद हो चुकी है और फ्री मोबाइल अब महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको स्टूडियो में बताने वाला हूँ फ्री मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा और आखिरकार मिलेगा तो कब मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको स्टूडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके जो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्री मोबाइल योजना को लेकर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो, आपको मैं बता देता हूँ, जब 2022 में सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, तो सरकार ने कहा था कि हम 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देंगे जो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहा है या फिर यहाँ पर वो लघु या सीमांत कृषि की श्रेणी में आते हैं या संविदा कर्मी है या कोविड एक्स्ट्रा कैटेगरी, ऐसे करके मतलब जो भी चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ है 850 रुपए देके उन लोगों को हम फ्री स्मार्टफोन देंगे 1.33 करोड़। लेकिन उसके बाद में लोगों का रुझान बढ़ता गया और योजना के प्रति लोग जागरूक होने लगे और लोगों ने और ज्यादा चिरंजीवी योजना में जुड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसको लेकर यहाँ पर सरकार ने कहा कि हम 1,35,00,000 महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देंगे और कंपनियों को टेंडर भी जारी कर दिया और सरकार ने इसमें पैसा भी लगा दिया। तो यहाँ पर ऐसे करके दिसंबर के आते आते यानी बहुत सारी डेटें भी आई कि नवंबर में देंगे, दिसंबर में देंगे, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी स्मार्टफोन देंगे, ऐसे करके बहुत सारी अपडेट आई। लेकिन जो फाइनली अपडेट है वो यहाँ पर जब विधानसभा के सत्र में यहाँ पर पूछा गया ये सवाल कि भाई जो फ्री स्मार्टफोन योजना है वो महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन कम देंगे, तो वहां पर उसका जो जवाब है वो निकल कर आया। तो क्या है सच्चाई, फ्री स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा महिलाओं को और मिलेगा तो कब मिलेगा, तो जाने की वीडियो में कंप्लीट जानकारी। तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले आप फ्री मोबाइल योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये घंटी वाला निशान ऑन कर लेना है और वीडियो को यहाँ से शेयर कर देना है ताकि आपको फ्री मोबाइल योजना का जो है सबसे पहले अपडेट मिल सके और आप सबसे पहले फ्री मोबाइल योजना का लाभ ले सके और आपके घर में जो महिला है उसको सबसे पहले ये फ्री स्मार्टफोन मिल सके। इसलिए आपको इतना छोटा सा काम कर देना है, इस प्रकार से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाला निशान ऑन कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको बताते हैं। तो देखिए जो अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर 10 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट, तो आप देख सकते हैं महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन की योजना बंद नहीं की है, प्रक्रिया यानी चालू है। बीडी कला, तो देखिए महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन की योजना है बंद नहीं की है, प्रक्रिया चालू है और बीडी कला यहाँ पर इन्होंने कहा है। अब देखिए यहाँ पर पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट 10 फरवरी को पेश करेगी। गहलोत ने पहले 8 फरवरी को बजट पेश करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर लेकिन अब विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में यहाँ पर देखिए बजट पेश करने की तारीख बदल गई है। वहीं 3 से 9 फरवरी तक विधानसभा के सदन की छुट्टी रहेगी और सीएम गहलोत 16 फरवरी को बजट बहस का जवाब देंगे, आप देख सकते हैं। और सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि महिलाओं को, यहाँ पर मैं एक चीज आप नोट कीजिए, 3 साल के इंटरनेट एक्सप्रेस के साथ मिलना स्मार्टफोन। तो सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना बंद नहीं की है, यानी देखिए सरकार खुद कह रही है कि योजना बंद नहीं की है, यानी मोबाइल मिलेगा, यह कार्य प्रगति पर है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराब के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा में कहा कि राजस्थान सरकार ने 2022 के बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की शुरू करने की घोषणा की थी। तो इसमें लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को 3 साल के इंटरनेट के एक्सप्रेस के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं। तो आप देख सकते हैं कल्ला ने कहा कि मुफ्त स्मार्टफोन योजना के लिए बजट में पहले 1,200 करोड़ रुपए और फिर 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, अभी भी 2,600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है हुआ है और इसका काम प्रक्रिया में है। तो मैं आपको बता दूं, पहले भी अशोक गहलोत जी से जब दैनिक भास्कर ने एक इंटरव्यू लिया था उसमें भी पूछा गया था कि स्मार्टफोन कब देंगे महिलाओं को, तो अशोक गहलोत जी ने साफ साफ कहा था, हमने वो वीडियो भी डाला था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। हमारे चैनल पर फ्री मोबाइल योजना को लेकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी,
प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे फ्री मोबाइल योजना से रिलेटेड। तो देखिए वहां पर कहा था कि सिंडिकेटर चिप आती है एक मोबाइल में लगाने की, तो वो सिंडिकेटर चिप की कमी चल रही है, उसके कारण से महिलाओं को मोबाइल देने में देरी हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं विदेशों के अंदर कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो वहां पर इस कारण से काम भी अस्त व्यस्त चल रहा है, तो इस कारण से ये एक बड़ी समस्या है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल बांटने, तो कंपनी के पास भी बड़ा टेंडर है और अलग अलग कंपनियां ये मोबाइल देगी, तो यहाँ पर इसके चलते भी, और सरकार ये चाहती है कि सभी महिलाओं को एक साथ मोबाइल दिया जाए, तो इसलिए मोबाइल का भी बड़ा स्ट्रोक चाहिए, तो इसके लिए मोबाइल में देरी हो रही है। और मैं आपको पुनः बता दूं कि जो फ्री मोबाइल योजना है वो फ्री मोबाइल आपको मिलेगा 101% मिलेगा, क्योंकि कंपनी को टेंडर दे दिया गया है, पैसा भी दे दिया गया है, और सरकार ने इस योजना के लिए एक महत्वाकांक्षी इस योजना को माना है। जैसे चिरंजीवी योजना है, वैसे ये स्मार्टफोन की योजना सरकार के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है, और गहलोत सरकार आपको फ्री मोबाइल योजना का लाभ देगी। और आपकी जो महिलाएं हैं चिरंजीवी योजना में जुड़ी हुई है, जो अभी खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हैं 2023 में, या जो 2022 में खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हैं, चिरंजीवी योजना में जुड़े हैं, और जो कोविड एक्स्ट्रा कैटेगरी में आते हैं, या फिर संविदा कर्मी है, कोई भी हो, वो अगर चिरंजीवी योजना में उन्होंने अपना जन आधार कार्ड जुड़वा लिया है, तो उनको बेझिझक रहिए, उनको बेस्ट शर्त उनको स्मार्टफोन मिलेगा, फुल गारंटी के साथ में उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। जो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं उन परिवारों को सरकार है स्मार्टफोन बांटेगी। और स्मार्टफोन आपके 3 कंपनियों के हो सकते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, वो वीडियो जाके देख लीजिए कौन कौन सी कंपनियों के स्मार्टफोन होंगे और किन किन को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चिरंजीवी योजना में नहीं जुड़वाया, तो आप चिरंजीवी योजना में जुड़वा के स्मार्टफोन योजना का लाभ ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन जल्द से जल्द बांटे जाएंगे, इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है इस योजना पर। तो यही एक जानकारी थी जो हमने आप लोगों तक शेयर की है, और इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है, और जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर यह खबर वेरीफाइड खबर छापी गई है, और कालीचरण सराफ जो बीजेपी से विधायक है, उन्होंने पूछा यह सवाल कि जो स्मार्टफोन से रिलेटेड, तो उन्होंने इसका जवाब दिया है, और सरकार के मंत्रियों ने इसका जवाब दिया, तो बिल्कुल ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, स्मार्टफोन से जुड़ी पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं, और जो स्मार्टफोन है वो सबसे पहले आप लेना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी वाला निशान ऑन करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और वीडियो को यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उन्हें भी ये स्मार्टफोन योजना का लाभ मिले। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।